माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले अभी हमने तीसरी वर्षगांठ मनाई 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस की। यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कहना चाहिए कि अद्वितीय अभियान है, जिसकी हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस तरह का अभियान भारत में भी हो सकता है। हम लोग अपने कभी कभी मतलब कहीं बैठक में अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि अमेरिका में गए और वहाँ इतनी सफाई की मतलब कोई कहीं स्पीड नहीं कर सकता। स्वच्छ भारत अभियान के उपलक्ष में आपने आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पे विराजमान पीके पांडे साहब, डिप्टी कमिश्नर सेल्टैक्स, आज हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ कौटिल्य अकेडमी छिंदवाड़ा और भोपाल शाखा की ओर से। वैसे ही दीपक राज जैन जी, डायरेक्टर अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। वैसे ही यहाँ उपस्थित DSP सिलेक्टेड, वर्तमान में DSP सिलेक्टेड कल्याणी वरकड़े जी, जो यहाँ कौटिल्य अकेडमी में पढ़ा रही है और कौटिल्य अकेडमी की स्टूडेंट रही है, मैं आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित पांडे साहब के साथ आए हुए उनके IT ऑपरेटर आशीष जोशी जी, हमारा पूरा स्टाफ जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इसके पीछे पूरी मेहनत पूरी लगन से बच्चों को तैयार किया। वैसे हमारे कृष्णा सर, विकास सोनी सर, राम सर, यहाँ उपस्थित लिए सतपुड़ा प्रोडक्शन से आए हुए आकाश लालवानी जी और सभी छात्र छात्राओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत। स्वच्छ भारत अभियान हमें क्यों चलाना पड़ रहा है? मोदी जी ने बोला है कि हमको स्वच्छ भारत अभियान चलाना है। आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा, हमारा घर स्वच्छ रहेगा, हमारा आजू बाजू का वातावरण स्वच्छ रहेगा, हमारा मोहल्ला, हमारा प्रदेश, हमारा देश अगर स्वच्छ रहेगा तो हम एक सुखद वातावरण में रहेंगे। हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही किसी भी कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो जुड़ा है स्वच्छता स्वस्थता की ओर से कि हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे आजू बाजू का वातावरण हमारा स्वस्थ रहेगा, आजू बाजू का पूरा देश पूरा प्रदेश स्वच्छ रहेगा तो पूरा प्रदेश एक खुशहाल प्रदेश रहेगा, पूरा देश एक खुशहाल प्रदेश रहेगा, पूरा देश बहुत अच्छा एक हमारा पूरा विश्व में जानने वाला एक देश बनेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया है कि हमें स्वच्छता की ओर बहुत सा ध्यान देना चाहिए। और अच्छी बात है, अगर हम स्वच्छ रहते हैं, स्वच्छ का मतलब साफ सुथरे रहते हैं, अपना घर साफ रखते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। अगर हम स्वच्छ है, साफ सुथरे है तो हमारे पास दूसरा कोई भी आदमी पास में आएगा, हमसे बात करेगा। और अगर हम गंदे संदे रहते हैं तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। एक जो भिखारी होते हैं या बहुत गंदे लोग होते हैं, कई दिखती है हमको, क्या उसके पास हम जाते हैं? जाने में घृणा आती है। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी चीज शेयर करूंगा 2 मिनट में। आप जिस मुकाम पे हैं, आपको सबसे ज़्यादा होप आपके पेरेंट्स को रहेगी। मेरे बेटा बिटिया ट्विंस हैं, 12th इस बार पास किया, बेटे 90%, बिटिया 86%। बेटा का JEE जबलपुर मैकेनिकल में सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज, और बिटिया ने नीट का दी थी 422 मार्क्स, और लिस्ट भगवान की कृपा से 422 मार्क पे क्लोज हुई। मैं बात आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ, पांडे जी ने अभी एक उदाहरण दिया था कि 500 के बाद में आपके 501 पे रुकती है, वो मेरी बिटिया का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो शायद उसको जितना दुख नहीं है उससे ज़्यादा मुझे है।
मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपके आगे बढ़ने से सबसे ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होगी और सबसे ज़्यादा दुख आपके पेरेंट्स को होगा कि बहुत बहुत मेहनत करके वो आपको यहाँ तक पहुँचाते हैं। Thank you.